यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भूमि के गैरकानूनी सर्वे के खिलाफ फूलपुर तहसील में किसानों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। आजमगढ़ जिले के फूलपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे गांवों इंदिका, खुरचंदा, बखरिया, छज्जोपट्टी के किसानों मजदूरों ने फूलपुर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया। किसानों का आरोप है कि पिछले दिनों शासन ने पूर्व सूचना के बिना चार गाड़ियों में स्थानीय राजस्व कर्मियों के साथ सर्वे किया। स्थानीय किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण हो जाने के डर से भयभीत हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर जमीन जा चुकी है। एसडीएम फूलपुर से वार्ता के दौरान एसडीएम ने किसानों की बात सुनकर ऐसे किसी भी सर्वे की बात को सिरे से नकारा और किसानों की मांग पर इस प्रकरण की जाँच करने का आश्वासन दिया। किसानों ने एक हफ्ते का वक्त दिया। ज्ञापन देने वालों में पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव, किसान नेता राजीव यादव, निशांत राज, अवधेश यादव, विनोद यादव, नंदलाल यादव, चंद्रजीत यादव, बिंदु भारती, कमलेश, ललन प्रसाद, चमेली देवी गीता, संजय कुमार, इंद्रावती, मोहम्मद बद्रे आलम आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट।